आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। धारवाड़ में अंजुमन संस्था ने रचा इतिहास, पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद सहित पूरा पैनल चुना गया निर्विरोध। मैसूर साबुन रैकेट में बीजेपी नेता शामिल, बोले कर्नाटक के RDPR और ITBT मंत्री प्रियांक खड़गे। आज महान राजनेता व अभिनेता एनटी रामाराव की 28वीं पुण्यतिथि, एनटीआर घाट पहुंचे जूनियर एनटीआर और नंदमुरी बालकृष्ण, दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में धमाके, एक की हुई मौत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची आसाम, 20 मार्च को मुंबई में होगी खत्म। पीएम मोदी ने जारी किया राम मंदिर का डाक टिकट, 48 पेज की किताब में 20 देशों का टिकट। अब समाचार विस्तार से। धारवाड़ के प्रतिष्ठित अंजुमन इंस्टीट्यूट में इतिहास रचा गया है। इस बार इस संगठन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आम चुनाव होता था। हालांकि इस संस्था के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद सहित पूरा पैनल निर्विरोध चुना गया है। अंजुमन संस्था के चुनाव को लेकर काफी उत्सुकता थी, कई लोग यह चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि आखिर वक्त में इस्माइल तमाटगार और उनके टीम के खिलाफ किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, इसलिए अब एक बार फिर इस्माइल तमाटगार को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। पिछली बार इस्माइल तमाटगार इस अंजुमन निकाय चुनाव से नाम वापस ले लिया था और अध्यक्ष पद किसी और के लिए छोड़ दिए थे। इस बार उन्होंने खुद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और नामांकन पत्र दाखिल किया। चूंकि उनके खिलाफ किसी ने एक नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, इसलिए चुनाव अधिकारी ने इस्माइल तमाटगार को अध्यक्ष और बशीर जागीरदार को उपाध्यक्ष घोषित किया। इसके साथ ही 88 सदस्यीय पैनल को निर्विरोध चुन लिया गया। जैसे ही इस्माइल तमाटगार को निर्विरोध चुना गया, उनके समर्थकों ने संस्था में परिसर में फटाखे फोड़कर और क्रेन से उन्हें माला पहनाकर जश्न मनाया। यह पहली बार है कि उन्हें बिना चुनाव के निर्विरोध चुना गया है। कुल मिलाकर इस्माइल तमाटगार और उनकी टीम अब एक बार फिर सत्ता में आ रही है। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। सेंट्रल मेंबर्स कैटेगरी के मेंबरान को मुंतखब किया गया। इसी तरह से मैं सबसे पहले आज इस 2024 में जो अंजुमन इस्लाम का इलेक्शन हुआ, इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब जो मुंतखब हुए हैं उनका नाम है जनाब मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद जमील तामड़कर साहब। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के लिए जनाब बशीर अहमद जागीरदार साहब मुंतखब हुए हैं। ऑफिस बेरर्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಜರ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 78 ಮಂದಿ ಲೈಫ್ ಕೋಟಾ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಅವಿರೋಧ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟು 88 ಮಂದಿದ್ದು ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಜುಮನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಧಾರವಾಡದ ಜನತೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು, ನಮಗೇನಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿರಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆದ. ಈಗ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು 30%, 10%, 20% ಉದಿದ್ದಿತ್ತು, 90% ಮಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಈಗೇನೈತಲ್ಲ 100% ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹರಿಚಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಒಟ್ಟು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಮಾಟಗಾರ ವಿರೋಧ ಆಗಬಾರ್ದಂತೆ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಇತ್ತು, ಯಾರಿಗಿತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂತಗಿ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತುಂಬಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತುಂಬಾಕತ್ತಾರದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ನಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಿವಲ್ಲ ಯಾರಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ, ಇನ್ನೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. 15% ಅಂಜುಮನದ ಇನ್ಕಮ್ ಐತಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಡವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗೆದಿಡ್ತೀರ ನಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ RDPR ಆರ್
आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को दावा किया कि भाजपा नेता राज्य के स्वामित्व वाले कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड केएसडीएल के घरेलू ब्रांड नकली मैसूर सैंडल साबुन के निर्माण में शामिल थे। प्रियांक पिछले हफ्ते हैदराबाद पुलिस द्वारा मैसूर सैंडल साबुन बेचने वाली एक नकली विनिर्माण इकाई का भंडाफोड़ करने का जिक्र कर रहे थे। प्रियांक ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, मुझे नहीं पता कि राम भक्त हमारे राज्य की संपत्ति क्यों बेचना चाहते हैं। प्रियांक के अनुसार हैदराबाद स्थित राकेश जैन और महावीर जैन जीन पर नकली मैसूर सैंडल साबुन और अन्य केएसडीएल उत्पादकों के लिए मामला दर्ज किया गया है। वे सक्रिय भाजपा नेता है। उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के भाजपा विधायक राजा सिंह से संबंध है। उनके चितपुर के भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ और पार्टी पदाधिकारी विट्ठल नायक, जो पूर्व विधायक वाल्मीकि नायक के बेटे से भी संबंध है। तेलुगु इतिहास में एनटी रामाराव एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपना जीवन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो या फिर राजनीति के माध्यम से। आज तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री के दिग्गज और महान राजनेता व अभिनेता एनटी रामाराव की 28वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिवंगत एनटी रामाराव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके बेटे नंदमुरी बालकृष्ण और पोते जूनियर एनटीआर और कल्याण राम एनटीआर घाट पहुंचे। सुबह का समय होने के बावजूद एनटीआर घाट पर भारी भीड़ देखने को मिली। जूनियर एनटीआर हर साल अपने दादाजी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटीआर रामाराव एनटीआर के जन्मदिन और पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हैदराबाद के एनटीआर गार्डन पर पहुंचते हैं। गौरतलब है कि एनटी रामाराव ने अपने करियर में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। फिल्मों के साथ साथ उन्हें राजनीति में भी काफी दिलचस्पी थी। 80 के दशक में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई और साल 1984 में भारी बहुमत से जीतकर वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 18 जनवरी 1996 को एनटी रामाराव का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उनकी हाल ही में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई थी, इसके बाद अब वे फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। दरअसल 7 दिसंबर को एरावली में अपने फार्म हाउस में गिरने के बाद केसीआर की बाएं कूल्हे की सर्जरी की गई थी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर एमआईडीसी केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ। रसायन बनाने वाली एक कंपनी में कारखाने में धमाके के बाद आग भी लगी। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हो गए। अग्निशामक दल के कर्मचारी आग बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुरुवार को हुई सिलसिलेवार धमाके के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि घायल श्रमिकों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधक सेल के प्रमुख यासीन तड़वी ने कहा, यह घटना तड़के करीब 4:30 एक औद्योगिक इलाके में हुई। हादसे की सूचना मिलने पर आग बुझाने पहुंची फायर टेंडर टीम के राहत और बचाव कार्य के बारे में कुलगांव बदलापुर फायर सर्विसेज में मुख्य अग्निशामक अधिकारी भगवान सोनामणि ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री खारवई एमआरडीसी क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने कहा कि यूनिट में सिलसिलेवार जोरदार धमाके हुए और परिसर में आग लग गई। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने दावा किया कि उन्हें और उनकी विधायक बेटी परिणीति शिंदे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता मिला था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के प्रति निष्ठान है और अपनी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। शिंदे ने यह दावा मंगलवार को सोलापुर जिले के अक्कलकोट तहसील में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया।
हालांकि भाजपा का कहना है कि शिंदे और उनके बेटी को पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पेशकश नहीं की गई है। शिंदे ने कहा, परिणीति ताई और मुझे भाजपा की ओर से पेशकश की गई, लेकिन यह कैसे संभव है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई है और यह कैसे संभव है कि किसी दूसरे के घर में जाऊं? मैं कभी दल बदल में नहीं पड़ा। कार्यक्रम के बाद जब संवाददाताओं ने शिंदे से पूछा कि उन्हें किसने भाजपा में शामिल होने की पेशकश की, तो उन्होंने उनका नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने पेशकश की वह एक बड़ा आदमी है। शिंदे ने कहा, मैंने कहा कि मैं निष्ठावान कांग्रेसी हूं और कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को नागालैंड से असम पहुंच गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा नागालैंड से शिवसागर जिले के हलुवांटिग होते हुए असम पहुंची। राहुल गांधी ने सुबह नागालैंड के तुली से बस यात्रा फिर से शुरू की और लगभग 9:45 असम पहुंचे। हलुवांटिग में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी का स्वागत किया और राज्य में 8 दिवसीय यात्रा के लिए कांग्रेस की असम इकाई के नेताओं को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया। कांग्रेस सांसद के नेतृत्व में 6,713 किलोमीटर लंबी यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। असम में यह यात्रा 25 जनवरी तक जारी रहेगी। अयोध्या में तैयार हो चुके राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। इस कार्यक्रम को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक जारी की। पीएम मोदी ने कुल 6 टिकट जारी की, जिसमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां शबरी की टिकट शामिल है। टिकटों पर राम मंदिर, चौपाई मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी और मंदिर में और उसके आसपास की मूर्तियों की आकृति बनाई गई है। स्टैम्प पुस्तक विभिन्न समाजों पर श्री राम की अंतर्राष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। 48 पन्नों की इस पुस्तक में अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट शामिल है। भारत में वंदे भारत ट्रेन काफी लोकप्रिय है। 4 साल पहले इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। इस ट्रेन में काफी सुविधाएं मौजूद हैं, इस वजह से लोग इस ट्रेन की यात्रा करना पसंद करते हैं। आए दिन कई सोशल मीडिया यूजर्स इस ट्रेन की फोटो और वीडियो भी बनाते रहते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 यात्री सामान रखने के लिए यात्रा के दौरान आपस में लड़ रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किया गया है। इस वीडियो को घर का कलेश नाम के यूजर हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सामान रखने के लिए 2 यात्री ट्रेन के अंदर बहसबाजी कर रहे हैं। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो में समय और दिन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई है। भूकंप की वजह से अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। मिल रही जानकारी के अनुसार भूकंप गुरुवार सुबह 8:30 पर आया था। बता दें कि बीते कुछ महीनों में उत्तरकाशी में आई इस तीव्रता का यह कोई पहला भूकंप नहीं है। पिछले साल अक्टूबर में उत्तरकाशी में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया था कि भूकंप का केंद्र भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी से 33 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम NNW में या भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 3:49 पर सतह से 5 किलोमीटर की गहराई पर आया था। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में सत्ता गंवा दी जहां उसने भारत जोड़ो यात्रा की अनुमति देने में देरी की। भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने दक्षिण से उत्तर भारत तक मार्च किया था। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष लांबा ने असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से आग्रह किया कि वह देश के पूर्व से पश्चिम तक पार्टी की यात्रा के हिस्से के रूप में राज्य में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंजूरी देने में समस्या पैदा न करें। गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से यात्रा की शुरुआत की और यह बृहस्पतिवार को असम में प्रवेश करने वाली है। लांबा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम यहां हिमता बिस्वा सरमा सरकार यात्रा के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। अगर हमें समय पर अनुमति दी जाती है तो हम खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ताकत इसे असम में आने से नहीं रोक सकती। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के चौथे समन पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने की खबरों के बीच ईडी ने अब उन्हें पांचवा जारी किया है। दरअसल सीएम केजरीवाल आज से 3 दिनों के लिए गोवा जाने वाले हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि ईडी के सामने उनके पेश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में ईडी ने उन्हें अब पांचवा समन जारी करते हुए कल यानी 19 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठान का उल्लास पूरे देश में देखा जा रहा है। देश भर से रामलला के लिए कई तरह के उपहार और वस्तुएं तैयार होकर अयोध्या पहुंच रही है। इसी बीच मुंबई के दादर का एक वीडियो सामने आया है जहां शिवाजी पार्क में श्री राम दरबार का लाइव शो तैयार किया गया है जिसकी खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। धारवाड़ में अंजुमन संस्था ने रचा इतिहास, पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद सहित पूरा पैनल चुना गया निर्विरोध। मैसूर साबुन रैकेट में बीजेपी नेता शामिल, बोले कर्नाटक के आरडीपीआर और आईटीबीटी मंत्री प्रियांक खड़गे। आज महान राजनेता व अभिनेता एनटी रामाराव की 28वीं पुण्यतिथि, एनटीआर घाट पहुंचे जूनियर एनटीआर और नंदमुरी बालकृष्ण, दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में धमाके, एक की हुई मौत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची आसाम, 20 मार्च को मुंबई में होगी खत्म। पीएम मोदी ने जारी किया राम मंदिर का डाक टिकट, 48 पेज की किताब में 20 देशों का टिकट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।